आप मानते हैं कि इनके अलग होने से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और कॉमेडी का जो सिनेमा उसको लॉस हुआ है? नहीं, पर देखिए मेरे ख्याल से जब जो अलग हुए कलाकार उसके बाद भी हमारा शो काफ़ी अच्छी और ठीक ठाक टीआरपी पे काफ़ी वक्त तक चलता रहा, वो लास्टली जो चीज़ें गड़बड़ाई हैं वो जब से कपिल की तबीयत ख़राब रहनी शुरू हुई है, और वो भी कपिल काफ़ी ओवरवर्कड हैं, मतलब इन द सेंस कि वो अपनी फिल्म भी कर रहे हैं, ये शो भी कर रहे हैं, दो एपिसोड उनको इसके बनाने हैं, उनको जाके वापस अपनी फिल्म शूट करनी है, वो भी थक जाते होंगे, प्लस वो फिल्म के भी प्रोड्यूसर हैं, वो शो के भी प्रोड्यूसर हैं। जब आप खुद प्रोड्यूसर भी होते हो तो और बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है कि आपका ये होना वो होना, ये आएगा वो जाएगा, इसके चेक कट रहे हैं उसके आ रहे हैं वो, तो आपको पूरा का पूरा सराउंडिंग हैंडल करना पड़ता है। मुझे भी लगता है कि कपिल ने भी काफ़ी चीज़ें अपने सर पर ले ली, कुछ कुछ वो अवॉइड कर लेते तो उनके लिए भी आसान हो जाता, लेकिन खैर मतलब जो है सो है। उनकी फिल्म 10 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और शो भी वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। एग्जैक्ट डेट जी जी ऑफ कोर्स मैं पहले भी था और मैं कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहूँगा, खाली वही है कि हमने डेट लॉक नहीं किया। 10 नवंबर उनकी फिल्म रिलीज़ होती है, उसके पहले शो आ जाएगा। अब अक्टूबर में कब आएगा क्या आएगा हमने एग्जैक्ट डेट अभी फिक्स नहीं की है। ऐसे तो कैरेक्टर्स हैं जो हम काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी शायद आईफोन के पास आगे की भी होगी, लेकिन वो लॉन्च एक के बाद एक ही करते हैं, तो थोड़ा गैप रखते हैं लॉन्चिंग में, तो मैं भी सब कुछ साथ में नहीं लॉन्च करना चाहता। अगर कुछ नए किरदार जो हमने सोचे हैं या जहन में हैं वो भी हम धीरे धीरे करते चलेंगे, जब हमें जैसे बच्चा यादव जो कैरेक्टर मैं अभी कर रहा था वो पहले नहीं था शो में, मतलब टिल मार्च में जब ये कुछ कलाकार अलग होने की बात हुई उसके पहले तक मैं सिर्फ बम्पर ही कर रहा था ये शो में, और संतोष एक कैरेक्टर कर रहा था, ये बच्चा यादव मैंने बाद में करना शुरू किया। तो बदलते रहेंगे, करेंगे नए कैरेक्टर्स भी करेंगे, हैं जहन में कुछ, अब शो एक बार शुरू हो तो फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। जाते जाते दर्शकों से यही कहूँगा कि 6 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 2016 दी एंड, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही एंटरटेनिंग और एक पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। आप सबके साथ जाइए फिल्म देखिए। एक थॉट है सिर्फ कि अगर दुनिया 7 दिन में ख़त्म होने वाली है तो आप क्या करेंगे, ये थॉट बड़ा अच्छा है। अगर इस सवाल का जवाब आप अपने जहन में ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढना आज से शुरू कीजिए, और फिर भी अगर आपको जवाब ना मिले और अगर मिले भी तो आपका जवाब हमारे जवाब से मैच करता है कि नहीं, वो देखने के लिए फिल्म देखिए, उसमें आपको हमारा जवाब मिलेगा, और साथ साथ में आप अगर अपना जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं तो शायद हमारे जवाब से ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जाइए फिल्म देखिए 6 अक्टूबर 2016 दी एंड। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़ सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv।